अब आप कल्पना करो कि क्या तुम अगर ब्राह्मण हो और आपको बोला जाए कि आप जो है काली माता की पूजा किया करो, और काली माता की पूजा करने के लिए आपको रोज एक बोतल ठर्रा लाना पड़ेगा और एक मुर्गा काट के खून टपटपाता खून देना पड़ेगा और यदा कदा बकरा काटना पड़ेगा, और ये तो आप लोग क्या ये पूजा पसंद करोगे? नहीं। पर ऐसा तो नहीं कह सकते कि तुम पसंद नहीं करोगे तो कोई पसंद नहीं करेगा, कोई तो करेगा, कोई तो करते ही। अच्छा, तुमको कहा जाए कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, एजुकेशन छोड़ करके पैसे कमाने के लिए जो है तुम ये करो, पैसे कमाने के लिए व्यवसाय शुरू कर दो, दुकान खोल लो, पकौड़े की दुकान खोल लो और पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और दुकान खोल लो और पांचवी तक पढ़ लिए, चौथी तक पढ़ लिए काफ़ी, अब अपनी दुकान खोल लो और पैसे कमाओ। क्या तुम लक्ष्मी माता की उपासना करो ताकि उससे पैसे मिलेगा, और सरस्वती माता को थोड़ा दूर कर दो कुछ दिन के लिए और अपने पैसे कमा लो, तो आप लोग चाहोगे? लक्ष्मी माता की उपासना, सरस्वती माता को छोड़ के लक्ष्मी माता की उपासना करोगे? नहीं। पर ऐसा तो नहीं कि सारे लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग करते हैं, यही करते हैं। तो अब वो अच्छा लक्ष्मी माता हुई, अब जो है कि दुर्गा माता के लिए मतलब ये है कि तुमको साहस दिखाना है, चाइना की बॉर्डर पर युद्ध करना है, शत्रुओं को ललकारना है, हकारना है और ये करना है, तो तुम सरस्वती माता को छोड़ करके अभी इस उम्र में लक्ष्मी माता को, दुर्गा माता को रोज की पूजा करना चाहोगे? हालांकि क्योंकि दुर्गा माता साहस पराक्रम और शत्रुओं के विनाश के लिए, क्योंकि शेर वाहन है उनका और आठों हाथों में अस्त्र शस्त्र भी हैं दंड देने के लिए, भाग के जाओगे कहाँ, इधर से भागोगे तो इधर इधर पड़ेगा, सात हाथों में है, तो और ढंग से पूजा करोगे, ढंग से करोगे तो एक हाथ वरदान के लिए भी है, तो तो माता का ये स्वरूप है बनता है, तो माता तो आप लोग तो, पर उनको उनकी पूजा करने वाले कुछ लोग हैं ही, उनकी पूजा करने वाले कुछ लोग हैं। अब तो अब हम आइए, जो जिस देवी देवता की चेतना को पूजा करता है उस अनुसार तुम लोग कहते हो, दुनिया कहती कि ये हिंदुओं में जाति है, जाति है, तो जाति तो अपने आप बन रही है, जो जिस माता को पूजन कर रहा है वो एक अलग जाति का आदमी है, जो जिस देवी की पूजा कर रहा है वो एक अलग, खून बकरा मुर्गा गंदगी और मतलब हिंसा, और तेरे को नाश करवाने के लिए मूठ छोड़ूं मैं, और तेरे नाश करने के लिए मैं उसकी बलि दूं और शमशान भैंसे की को बांध करके गला काटूं और वो खून को हम लोग और मांस को वितरण करें और खाएं, तो यह उपासना कौन करेंगे? जो लोग इस मानसिकता में रहते हैं कि किसी का नाश करूं या मेरा बच्चा हो जाए, या जो भगवान से लेन देन या व्यवसाय, भगवान मेरा भला कर दे या उसका मकान जला दे या उसका नाश करे या उसका बच्चा मर जाए, जो तो वो हिंसा आदि के विचारों से जो
तो काम क्रोध और लोभ मोह मद मात्सर्य जिन विचारों से जिन देवी की पूजा कर की जाती है वो है उनका नाश करने के लिए, या अपना भय या अपनी भय को हटाने के लिए जिन माता की उपासना की जाती है वो माता है काली। तो वो अमूमन उच्च बुद्धि वाला आदमी तो बिना अस्त्र शस्त्र के अपना काम चलाएगा, इसलिए अमूमन इस तरह का खून चढ़ाना, शराब पीना, जब शराब आप माता को चढ़ाओगे तो स्वयं भी पियोगे, खून चढ़ाओगे तो खून खुद भी खाओगे। तो अगर आप इस तरह की पूजन करते हो तो स्वाभाविक ही आपकी जाति अपने आप अपने हाथों आप बना रहे हो, और वो जाति उस जाति को ही तो शूद्र कहा जाता है, क्योंकि आप मांस खून और इत्यादि करोगे तो आपको एक क्रोध और सहनशीलता इन सब में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी बुद्धि में हिंसा भय देना या लेना, तो इस सब से आपको काली माता से तो क्या है कि आपकी वो जो चेतना है वो इस तरह की भयानक देवी की उपासना करने से आप स्वयं मतलब एक जाति बना रहे हो, और वो जाति क्योंकि आपके शुद्र विचार हो जाएंगे, विचारों में क्षुद्रता रहेगी तो आप शूद्र कहलाओगे, शूद्र का मतलब शूद्र कहलाओगे। चलिए, जब आपकी चेतना लोभ मोह ये मेरा ये अटोबलू ये कमरा मेरा, इतनी जमीन मेरी, ये ट्रैक्टर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये गाड़ी भी ले लूं, अच्छी साड़ी भी ले लूं, अच्छे कपड़े पहन लूं, अच्छा मोबाइल ले लूं, सिर्फ आप धन और पैसा बैंक में अकाउंट जोड़ लूं, खूब ये कर लूं, इस लोभ की भावना में जब आप हो तो आप न तो काली माता को की उपासना करोगे न दुर्गा माता की करोगे। सीधी जब आपको लोभ की और आपके मनी की इच्छा पूर्ण करनी है तो कौन सी माता की शरण में जाओगे? लक्ष्मी माता की शरण में जाओगे। तो बोल लक्ष्मी माता की। तो लक्ष्मी माता की जब शरण में आप जाओगे, लक्ष्मी माता का प्रसाद खाओगे, लक्ष्मी माता के शरणापन्न रहोगे, तो आपकी एक जाति बन रही है, क्योंकि लेन देन मनी संचय पैसा वो जो माता के सोने के सिक्के देखते ही तो जा रहे हो माता के पास में, तो आपकी एक जाति बन रही है, वो जाति बन रही है वैश्य। और जब आपको ओ शत्रुओं को ललकारना है, अर्थात शंख बजाना पोंक करके, और शत्रु को देख कर के दहाड़ लगाना है और ललकारना है शत्रु को, और पराक्रम दिखाना है और शत्रु के मन में भय उत्पन्न करना है, तो आपको सात हाथों में अस्त्र शस्त्र ले और ऊपर से वाहन तेज गति से उछल कूद करके शत्रु को पकड़ करके दबोचने वाला एक वाहन, तो वो है माता दुर्गा का वाहन शेर। पर उसके साथ साथ आपके अंदर में धर्म भी है, धर्म की रक्षा के लिए आप जब अपने अस्त्र शस्त्रों का शक्ति का बल का प्रयोग करते हो तो और पराक्रम का उपयोग करते हो तो आपकी एक जाति बन रही है, तो वो जाति वो आप स्वाभाविक ही जब माता दुर्गा की चेतना में हो तो आपकी एक जाति बन रही है क्षत्रिय। और जब आप जो हैं त्याग पूर्णतः त्याग माता सरस्वती के स्वरूपों का तो वर्णन हमने किया ही नहीं, एक हाथ में कमल, एक हाथ में स्फटिक की माला, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में वीणा पुस्तक धारणी, बोलना है श्लोक क्या है? चार सार परमां माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मवेदां जाड्यांधकारा। ये बो अच्छा, तो वीणा पुस्तक धारिणी, तो माता एक हाथ में स्फटिक की माला, स्फटिक की माला, स्फटिक माने मन को शीतलता देने वाली स्फटिक, शुभ्र वो भी सफेद स्फटिक की माला पीछे, स्फटिक की माला, शुभ्र कमल, श्वेत कमल, माता का वाहन है हंस,
हंस में ये शक्ति होती है कि हंस के सामने आप दूध में पानी मिला करके दे दो तो हंस क्या पिएगा? दूध दूध पिएगा, पानी तुम कप में देखोगे पानी पानी रह गया। तो यह हंस जो है विवेक, तुम्हारी विवेक की शक्ति का परिचायक है कि आपको जो गुण लेना है गुण ले लो, दोष को छोड़ दो। तो आप जब इस तरह का व्यवहार करते हो और वीणा, वीणा से मतलब है कि सरसता, सरसता, सरसवती, जब आप रस ले आते हैं जीवन में तब वह सरस्वती का, सरस्वती का आगमन हो गया आपके जीवन में। सरस, जब आपका जीवन रसपूर्ण हो गया तब आपके जीवन में सरस्वती आ गई। तो उसके लिए आप वीणा या बांसुरी या ढोलक या तबला या गायन या कविता या पेंटिंग या चित्रकारिता या एक्टिंग या जितने कला कौशल या डांस करना या रंगोली बनाना या कई तरह से 64 कलाएं हैं, वो कलाओं को जब आप उसमें प्रवेश कर जाते हो तो माता सरस्वती का आगमन समझो। जब आप वाग्मिता अच्छा लेक्चर दे सकते हो, अच्छा पाठ कर सकते हो, अच्छा गाना गा सकते हो तो माता सरस्वती का आगमन समझो। तो माता सरस्वती के ये स्वरूप बन रहे हैं। और जब तो आपको फिर न तो तलवार है माता सरस्वती के हाथ में, न गदा है, न पत्थर है, मारोगे कैसे शत्रु को? उल्टे फंस गए कहीं तो क्या करोगे फिर? कहीं उल्टे फंस गए तो क्या करोगे बेटा? दिलीप जी हथियार की जरूरत पड़ेगी। तो ब्राह्मण तो जो अब माता सरस्वती को जो मानता है उसको तो भैया भैया हाथ में माला रखो, एक हाथ में वीणा रख लो, एक हाथ में फूल रख लो, एक हाथ में पुस्तक रख लो। अब कहाँ है हथियार, मारोगे कहाँ से? हाथ ही खाली नहीं, पत्थर उठाओगे कहाँ से? ईंट भी नहीं उठा सकते। फिर अब आपको जो भी कुछ करना है तो ब्राह्मण की तो माता सरस्वती की जो उपासना करते हैं वो सूक्ष्म बुद्धि, विवेक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि, तीव्र बुद्धि, स्मार्ट बुद्धि के लोग होते हैं। वो वैज्ञानिक, वो लेखक, वो बुद्धिजीवी, और वो ये होते हैं। और आप या ग्रंथ शास्त्र, वेद, श्रुति, पुराण, स्मृति और दर्शन को समझने सुनने वाले और अनुशीलन करने वाले ब्राह्मण होते हैं, त्याग तपस्या वाले ब्राह्मण होते हैं। और वो अपना वाहन क्या रखते हैं पता है? हंस। हंस माने विवेक, विवेक का आश्रय लेते हैं। कोई भी मामला, कोई भी आया झगड़ा, वो विवेक से सोचते हैं कि क्या करूं इसका। तुम लोगों के सामने कोई भी झगड़ा आता तो पत्थर उठाते हो? या जो कुछ डंडा फंडा हाथ में आ जाए वो करते हो, क्योंकि इधर ऊपर तो खाली है। ऊपर ऊपर कुछ हो, थोड़ा विचार करने को हो तो मतलब उसका यूज करें, पर वहां तो मतलब नील है तो उठाओ पत्थर मारो। या तो इस पार या उस पार कुछ होगा। लेकिन अगर आप ब्राह्मण बन गए, अगर आप माता सरस्वती के उपासक बन गए तो आप ब्राह्मण बन गए। अब आपके हाथ में भी अब रोड़ा उठाने के लिए भी हाथ खाली नहीं। अब आप कैसे करोगे? दुश्मन आ गया सामने, सांप आ गया, बोलो। बस केवल आपकी वाणी, वाणी को इतना मजबूत कर लो कि वाणी से ही कि जा भैया तेरा ये हो जाए तो ये हो जाए। तो ज्योतिष, तेरा दसवें महीने में ये होने वाला है, तो ज्योतिष और वाणी के द्वारा अभिशाप, आशीर्वाद ये वाणी से होता है। और जो गायन, और गायन के द्वारा आप मुग्ध कर सकते हो लोगों को और मोहित कर सकते हो। माता सरस्वती की अद्भुत शक्ति, माता सरस्वती चाहे तो पूरे विश्व को एक साथ एक दिन में मोहित कर दे, एक क्षण में मोहित कर दे। ये वसंत ऋतु जो है ये माता सरस्वती का थोड़ा सा स्वरूप है। अभी वसंत ऋतु में देखना कि कैसी सुगंध छूटेगी, मोर आमों के जो मोर आएंगे भौरे गुनगुनाएंगे, और नदियों का जल शीतल हो जाएगा, और चंद्रमा की पूर्ण चांदनी में मतलब ये माता सरस्वती का स्वरूप है।
तो वहां पत्थर दगड़ उठाने की रोड़ा मिट्टी उठाने की वहां आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, तो ब्राह्मण जो है वो युद्ध करता है केवल विवेक से, बड़ा सूक्ष्म बुद्धि से विवेक करता है। तो चाणक्य नामक ब्राह्मण था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ जरा सी अपनी बुद्धि के द्वारा बड़े बड़े राजाओं को ये कर दिया, और विदुर जी और कई ऐसे ब्राह्मणों के स्वरूप दिखते हैं। और ये भगवान राम, इसलिए तो सारे राजा लोग ब्राह्मण आते ही अपना राजपाट छोड़ के उनके चरणों में गिर जाते थे, क्योंकि वो सरस्वती है। तो वशिष्ठ मतलब विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी और सांदीपनि मुनि, इनके सामने भगवान भी झुक जाते हैं, और ब्राह्मण के समक्ष सब समर्पित कर देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो सरस्वती का उपासक है, क्योंकि वो त्याग में रहता है, एक समय भोजन करता है और ग्रंथों का अनुशीलन करता है, चिंतन करता है, उच्च चिंतन करता है। तो उच्च चिंतन से सरस्वती माता के जो उपासक होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। तो सरस्वती माता को मतलब काय का मुर्गे का प्रसाद चढ़ता है कि खून का? माता सरस्वती को खून का चढ़ता है कि मुर्गे का, काय का चढ़ता है? बस बस सात्विक, बस नारियल चढ़ा दो, अपना केला चढ़ा दो, सफेद बताशे चढ़ा दो, सफेद रंग का प्रसाद चढ़ाओ। हाँ, खून खान दारू, ये तामसिक जिसमें दुर्गंध भी हो, अहंकार जिसको पी लो तो बुद्धि जड़ हो जाए, खा लो तो बुद्धि राक्षसी हो जाए, राक्षसी आहार, तो स्वाभाविक ही आपकी जाति शूद्र बन जाएगी, और आप इस तरह से श्वेत आहार और उपासना और त्याग का स्वरूप लेकर के शुभ्र श्वेत स्वरूप धारण करोगे, तो आपका चरित्र मतलब श्वेत निर्मल पारदर्शी, अंदर क्या है बाहर क्या है एक जैसा दिखाई देगा। तो वो स्वरूप है माता सरस्वती का। तो और वाहन जो है विवेक रूपी हंस है, तो उसके द्वारा आप दूध और पानी को अलग अलग कर लेते हो, विवेक अविवेक क्या जरूरी क्या अनजरूरी है उसको तय करता है आपका हंस। तो हंस माने विवेक की शक्ति होनी चाहिए। तो ये स्वरूप है माता लक्ष्मी माता सरस्वती का। तो बोलो सरस्वती महामाता की जय। तो इस तरह से हमारी चार जातियां इसी प्रकार से सिद्ध हो जाती हैं कि हमारी चेतना किस देवी शक्ति के अंतर्गत है, उस अनुसार ये चार जातियां स्वाभाविक ही बन रही हैं आपकी भावनाओं के अनुसार। आप अगर हिंसा क्रोध रिवेंज का मैंने क्या अर्थ, प्रतिशोध बदला लेना, किसी का विनाश करना, ईर्ष्या द्वेष पाखंड अभिमान अहंकार, जब इस भावना में हो तो आपकी देवी है काली, और आपको खून चाहिए, खून देना है, त्रिशूल खप्पर और आदि अस्त्र शस्त्र चाहिए, मारना काटना खून इत्यादि चाहिए, तो आपकी देवी काली है, तो आपकी बुद्धि शूद्र है। और जब आप जो हैं कि केवल लोभ, मेरा मेरा मेरा, ट्रैक्टर गाड़ी कार मोटरसाइकिल बिल्डिंग जमीन और नोट करोड़ बैंक संचय LIC से लेकर के और फिक्स डिपॉजिट आदि, यही इसी चेतना में ही आप रहते हो, केवल रुपया ही गिन रहे हो रात को भी दिन को भी, तो आप जो हैं लक्ष्मी के उपासक हो, अर्थात आप वैश्य हैं, आप चाहे किसी भी जाति के हैं, पर अगर आपकी बुद्धि उन निम्न तरह की उन भावनाओं में हो, हिंसा में है, तो आप शूद्र हैं, चाहे आप किसी भी जाति के हैं। अगर आपकी बुद्धि लोभ बुद्धि है, प्रलोभन और संचय और मैं मेरा मेरा मेरा, तो आप वैश्य हैं। और यदि आपकी बुद्धि केवल मतलब पराक्रम या धर्म की रक्षा के लिए आप अपने बल का प्रयोग करते हो, तो आपकी बुद्धि जो है वो क्षत्रिय है, और आप क्षत्रिय वर्ग में आते हो, और आपकी देवी दुर्गा है। और जब आप त्याग तपस्या
ग्रंथ अनुशीलन और संगीत की सरसता और शांति और मधुरता और मन की एकाग्रता और सौंदर्य इत्यादि के उपासक हैं, कला के गुण के उपासक हैं और विवेक की जागृति कर ली है आपने, जब आपका चरित्र सफेद हो गया है, व्हाइट नो स्पॉट, आपके चरित्र में कोई स्पॉट नहीं है, तब आप माता सरस्वती के भक्त हैं, तो तब आपकी, तब आपको ब्राह्मण कहा जाना चाहिए, चाहे आप किसी भी जाति के हो, चाहे आप किसी भी वर्ण में हो। और संक्षेप में इसको विस्तार तो नहीं करूंगा, पर एक श्लोक भगवद गीता का भी यहां कोट कर देता हूं कि भगवान कहा कि है अर्जुन, चार प्रकार के भक्त मेरे को भजन करते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम भक्तया पर्यु पासते, चतुर्विधा भजन्ते माम भक्त्या पर्युपासते। हे अर्जुन, मेरे को चार प्रकार के भक्त भजन करते हैं, कौन कौन से? आर्त, आर्त माने हे माता मेरा मतलब ये कर दे तो मैं तेरे को बकरा चढ़ाऊंगी, हे माता मेरा ये कर दे नहीं तो मैं तेरे को मेरे बच्चे को कैसे भी सुधार दे, मेरे बच्चे की नौकरी लगा दे, या आर्त है तो मतलब जब आप बिल्कुल हीन हो तब आर्त हो, तो आर्त अर्थार्थी, जब आपको अर्थार्थी माने माता एक बकरा चढ़ाऊ मतलब ये है कि मैं अगला वो ये करवाऊंगा, तुम्हारा ये करवा दूंगा, और माता मतलब हमारा दुकान खुलवा दो, वो गाड़ी लाना गाड़ी ला दो, वो जमीन खरीदना वो जमीन सही करवा दो, वो मकान बनवाना है तो, और माता एक करोड़ दिलवा दो, लॉटरी खुलवा दो, और कुछ नहीं तो नंबर ही निकलवा दो, सट्टे का ही नंबर दिलवा दो। तो हम लक्ष्मी माता के शरण में जाते हैं, तो चतुर्विधा भजन्ते माम भक्त्या पर्युपासते, आर्त अर्थार्थी, उससे ऊपर जो माता दुर्गा के भक्त होते हैं वो धर्म की रक्षा करते करते, जैसे तुम लोग हो, पप्पू जी हैं, पप्पू जी अपना काम छोड़ के यहाँ आए हैं, तुम भी अपना काम छोड़ के आए हो, वो भाई साहब यहाँ काम छोड़ के टेंट में रहते हैं, तो तुम लोगों में अब वो संसार अनसार तो देख लिया, अब तुम सोचना चाहते हो कि क्या है आखिर जीवन तत्व, क्या है भगवान, क्या है ईश्वर, क्या है धर्म, क्या है, जब उसको समझना चाहते हो और उसके लिए स्ट्रगल करते हो, उसके लिए जब कष्ट सहन करना शुरू कर देते हो तो आपकी जाति क्षत्रिय है, तो अर्थार्थी जिज्ञासु, तो आप जिज्ञासु श्रेणी में है, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, और जो माता सरस्वती को जिन्होंने सिद्ध कर लिया है उनको क्या कहा जाएगा? ज्ञानी, ज्ञानी च भरतर्षभ है, तो वो ज्ञानी की श्रेणी में आएंगे, वो उन्होंने जो बोल दिया कि जा बेटा तेरा भला हो तो तेरा भला हो जाएगा, जा बेटा तेरा बुरा हो तो तेरा बुरा हो जाएगा, और तो माता सरस्वती, इसीलिए तो मतलब जैसे कई अखाड़े हैं तो उनमें निरंजनी अखाड़ा जो है ना, तो जूना अखाड़ा में तो खैर सरस्वती टाइटल नहीं दिया जाता, और निर्माण अखाड़ा जूना अखाड़ा वहाँ चल करके महानिर्माणी अखाड़ा अग्नि अखाड़ा, तो परंतु एक अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा है, तो निरंजनी अखाड़े के सन्यासियों को सरस्वती बाद में टाइटल दिया जाता है तो स्वामी विवेकानंद भी शायद सरस्वती थे या भारती, परंतु स्वामी शिवानंद जी जो थे ना वो स्वामी शिवानंद सरस्वती थे, स्वामी चिदानंद सरस्वती थे, और निरंजनी अखाड़ा में सरस्वती टाइटल दिया जाता है। तो वो इस तरह से आज हमने देवी की चार चेतनाओं का और हमारी मानसिकता और मनुष्य की मानसिकता की चार चेतनाओं का, चार प्रकार की चेतना आपकी विकसित होती है, माने काम क्रोध लोभ मोह, तो आप कौन सी श्रेणी में हैं उसी श्रेणी की देवी देवताओं को आप पकड़ोगे और उसी अनुसार आपकी जाति बन जाएगी। तो मैंने यत्किंचित कुछ संक्षेप में आज वसंत पंचमी के दिन बोलने की चेष्टा करी है, तो बाकी आप सब भक्तों के चरणों में और भगवान के चरणों में, माता सरस्वती के चरणों में, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में
इस वाणी को समर्पित करते हुए विश्राम देने कष्ट कष्ट करता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की।